दुनिया ने माना भारत के स्वदेशी वैक्सीन का लोहा। विश्व के प्रमुख महामारी विशेषज्ञों में से एक डॉक्टर एंथनी फॉची ने कहा कि भारत की स्वदेशी कोवैक्सीन सबसे ज्यादा असरदार है। फॉची ने कहा कि कोवैक्सीन कोविड के 617 वेरिएंट को खत्म करने में सक्षम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। अमेरिका में महामारी विज्ञान के प्रमुख विशेषज्ञ और व्हाइट हाउस के चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंथनी फॉची ने कहा है कि भारत में कोरोना से रोकथाम के लिए बनी कोवैक्सीन काफी कारगर है। उन्होंने कहा कि यह कोवैक्सीन कोरोना वायरस के 617 वेरिएंट को खत्म करने में सक्षम है। दरअसल मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर फॉची ने कहा कि इस बारे में हम प्रतिदिन के आधार पर डेटा को देख रहे हैं। उन्होंने कहा, नए डेटा में कोविड 19 के मामलों से ठीक हुए लोगों और भारत में जिन्होंने कोवैक्सीन की डोज ली है उसको लेकर विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण में यह पाया गया है कि कोवैक्सीन कोरोना वायरस के 617 वेरिएंट को खत्म करने में कारगर है। डॉक्टर एंथनी फॉची ने वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय वैक्सीन को काफी ज्यादा असरदार बताते हुए कहा है कि भारत में अगर वैक्सीनेशन तेजी से शुरू कर दिया जाए तो भारत बहुत जल्द कोरोना काल से बाहर आ सकता है। व्हाइट हाउस के चीफ मेडिकल एडवाइजर और विश्व के मशहूर महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉची ने कहा है कि इस वक्त जब भारत जानलेवा कोरोना संक्रमण से गुजर रहा है तो मदद के नाम पर दुनिया ने भारत को बहुत निराश किया है। उन्होंने कहा कि भारत को मदद करने के नाम पर भी दुनिया एक साथ नहीं आई और उसी का नतीजा है कि भारत में कोरोना संक्रमण का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है। डॉक्टर फॉची ने भारत में कोरोना संक्रमण के ग्राफ को बहुत दुखद बताते हुए कहा कि भारत में कोरोना संक्रमण का ग्राफ बताता है कि कोरोना वायरस से लड़ाई में विश्व एकजुट नहीं है। बता दें कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की साझेदारी में विकसित किया गया है। कोवैक्सीन को 3 जनवरी को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई थी। बाद में परीक्षण के नतीजों में पता चला कि इस टीके की एफिशिएंसी 78% है। डॉक्टर फॉची ने गार्डियन अखबार से बात करते हुए कहा कि अगर विश्व को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जीतनी है तो किसी भी हालत में विश्व के सारे देशों को एक साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ ग्लोबल रिस्पॉन्स मिलना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर अमीर देशों ने जिम्मेदारी नहीं दिखाई है और गरीब देशों को अकेला छोड़ दिया है। मंगलवार को WHO ने अपने बयान में कहा है कि ये 9वां हफ्ता है जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है। पिछले 9 हफ्तों के दरमियान भारत में कोरोना वायरस के 21,72,063 मामले दर्ज किए गए हैं। अंत में आपको बताते हैं कि इस वक्त भारत में क्या है कोरोना के आंकड़े। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 3,60,960 केस नए सामने आए हैं। नए केसों के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 1,79,97,267 हो गई है। तो वहीं 24 घंटे के अंदर कोरोना की वजह से 3,293 लोगों ने दम तोड़ा है, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 2,01,187 पहुंच गया है। वहीं देश में अब तक 14,78,07,367 लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है, जबकि बीते 24 घंटों में 25,56,182 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। अंत में पंजाब केसरी भी आपसे एक अपील कर रहा है कि जो भी अभी तक वैक्सीन नहीं लिए हैं वो कृपया जाकर वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि अगर आप वैक्सीन लेंगे तो बहुत तेजी से कोरोना पर हम लोग लगाम लगा पाएंगे। तो आप देख रहे थे पंजाब केसरी टीवी, और भी अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।